यह बिल्कुल अकल्पनीय था। हालांकि मैं उनसे कम मिला हूं, लेकिन खासकर विदेश मंत्री बनने के बाद जिन मानवीय मूल्यों को उन्होंने प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया और उसमें जो सफलता पाई, आज तक किसी मंत्री ने, वो किसी विभाग के मंत्री हो, इस तरह की सफलता, इस तरह का सम्मान आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ जो सुषमा जी को प्राप्त हुआ। वो भारतवर्ष में एक माँ के रूप में हमेशा याद की जाएंगी और मैं अब बहुत भावुक हो रहा हूँ। मेरी कोई नहीं थी, लेकिन वो सबकी थी। ये बहुत भावुकता का क्षण है। मैं अपनी श्रद्धांजलि अपने परिवार के तरफ से, अपने क्षेत्र के तरफ से, भोजपुर के तरफ से, बिहार की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उन्हें वहाँ भी उच्च स्थान दिया जाए, जिससे वो वहाँ रह कर के भी लोगों की सेवा कर सके। निश्चित रूप से सुषमा स्वराज जी का स्वर्गवास होना पूरे देशवासियों के लिए एक कमी में हो गई है, एक गैप हो गया है राजनीति में, क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों जो फॉरेन मिनिस्टर के रूप में काम किया और जितना सहयोग किया, शायद इससे पहले किसी फॉरेन मिनिस्टर ने इतना सहयोग नागरिकों को नहीं किया था। और एक नारी शक्ति के रूप में ये देखी जाती थी, जानी जाती थी, अपूर्णीय क्षति राष्ट्र के लिए, विरोधियों के लिए भी वो एक प्रेरणा स्रोत रही है। निश्चित स्कूल परिवार की तरफ से सब हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। नेत्री सुषमा स्वराज जी का निधन हुआ, सुषमा स्वराज जी को आप किस रूप में देखते थे? सुषमा जी भारतीय जनता पार्टी की ही नेत्री नहीं थी, वे इस देश की बहुत उच्च स्तर की नेता थी, जिनका आदर समाज के सभी वर्ग के लोग करते थे। मैंने उनके जीवन को क्राउडेड लाइफ के रूप में देखा है। 25 साल की आयु में वे हरियाणा सरकार में मंत्री बन गई थी, तेज तर्रार वकील थी, बहुत पढ़ी लिखी थी। उस जमाने में जब हमारे देश की महिलाएं इतनी महत्वाकांक्षी नहीं होती थीं, और उस समय उन्होंने राष्ट्र की सेवा का व्रत लिया और जीवन पर्यंत अपनी इस भयंकर बीमारी में भी उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री के रूप में जो योगदान दिया है, और जिस प्रकार 5 वर्षों तक मोदी सरकार के पूर्ववर्ती कार्यकाल में उन्होंने सेवा की है, देशों में, खाड़ी देशों में, दूर के देशों में फंसे भारतीयों को निकालने में, राहत पहुंचाने में, और आपत्ति के समय विदेशों में जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, यह इतिहास में अमर है। मैं सुषमा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, बहुत मिस करता हूं। वैसी विदुषी, वैसी विचार कुशल, बहुभाषाविद और इस देश की सही अर्थों में सुपुत्री, राष्ट्रभक्त महिला नेत्री की कमी खलेगी। आने वाली पीढ़ियों में शायद उतनी तेज तर्रार और उतनी कार्यकुशल, उतनी सक्रिय कोई नेत्री इसकी भरपाई करे, इसकी संभावना कम लगती है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बहुत बहुत आदर व्यक्त करता हूँ। जो सुषमा स्वराज हमारी पूर्व विदेश मंत्री रही, ये एक अद्भुत प्रभावशाली विदेश मंत्री थी। इनका एक ऐसा छवि बना जो वो विदेश मंत्री कार्यालय में ये बनाकर नहीं था कि हम सिर्फ विदेशों के लिए ये कार्यालय है, ये आम जनता को इतनी सहूलियत मिली जो शायद एक माँ अपने बच्चों को देती है। साथ ही साथ एक कुशल ये प्रवक्ता रही है, अद्भुत छवि वाली है। इज्जत के साथ साथ इन्होंने अपना नाम ऐसा दर्ज कराया है भारतवर्ष में, शायद ही किसी ने अंकित किया। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट एकदम क्विक आंसर ट्वीट करती थी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अपने बहुत कम उम्र से जो इन्होंने अपने इस नेता वाले पोजीशन में आई हैं, ये विरले किसी को हासिल होता है। और बहुत ही तरीके से, बहुत अच्छी सभी से छवि के साथ इन्होंने संन्यास लिया, अपनी हेल्थ की वजह से लिया, लेकिन इन्हें इतनी जल्दी जाना नहीं चाहिए। इनके प्राण शायद जम्मू कश्मीर के 170
में अटका हुआ था। और जैसे ही इन्होंने ट्वीट किया माननीय प्रधानमंत्री को, उनको बधाई दिया, उसके बाद इनकी तबीयत खुशी से शायद दिल का दौरा पड़ा और ये हमारे बीच में। भगवान इनके परिवार को, इनके पति और इनकी बेटी को शक्ति दे इस कठिन समय में, इस दुख के घड़ी को संभालने के लिए। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इनके प्रति हमारा बहुत ही श्रद्धा है, मान है, सम्मान है और शायद ये हमेशा रहेगा। सुषमा स्वराज जी आज हम लोग के बीच नहीं रहे हैं। जब तक वो एक अपनी क्रियाकलाप संभाली है, एक अच्छे नेत्री के रूप में कार्य की है, समाज सेविका के रूप में कार्य की है, एक किसी दल की ये क्षति नहीं हुई है, हमारे राष्ट्र की क्षति हुई है। क्योंकि जब तक वे भी काम की हैं, वे देश हित में काम की हैं, राष्ट्र हित में की हैं, उनके पास ना कोई पक्ष विपक्ष था, न अपना पराया था, पूरे राष्ट्र को वो अपना समझ करके कार्य करती थी। और जो जो भी कार्य की है वो विदाग की है, किसी तरह का कोई उंगली उठाने का दुशासन नहीं कर सकता है। इसलिए मैं सुषमा स्वराज जी को नम आंखों से मैं उनकी विदा करता हूँ और भगवान से यही विनती करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके हम लोग पूरे राष्ट्र के लोग, भारत के लोग उनके बताए हुए मार्गों पर चलें और अच्छे नेतृत्व की दिशा प्रदान करें।